जिला अधिवक्ता एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय भगवान साहेब पुस्तकालय का उद्घाटन शनिवार को मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति द्वारा 50 वर्ष विधि व्यवस्था पूर्ण करने वाले अधिवक्ता गढ़ को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने सभी अधिवक्ताओं की दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना किया। पुस्तकालय उद्घाटन कार्यक्रम में जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, महामंत्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव, रविन्द्र कुमार पांडे, उमेश चंद्र पाठक, रामस्वरूप त्रिपाठी, राजेश कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार सहित जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी, सदस्य और अधिवक्ता गण मौजूद रहे। महामंत्री सुभाष जी, इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए आज के मुख्य अतिथि इसमें उल्लेख किया गया है अधिवक्ता गण विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री नीरज तिवारी जी कर रहे हैं तथा जिला का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता है। अध्यक्षता कर रहे जिला अधिवक्ता एसोसिएशन कलेक्ट्रेट देख करके और यहाँ अपने को उपस्थित पा करके अत्यंत सौभाग्यशाली समझते हैं। इतने प्रभावी और जिम्मेदार अधिवक्ता गण हैं जो अपने जीवन की कमाई हुई गाढ़ी कमाई से हम अधिवक्ता बंधुओं के और आने वाली जो अधिवक्ता पीढ़ी है उनके लिए एक धनराशि हमारे पठन पाठन के लिए खर्च कर रहे हैं उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये प्रेरणा का स्रोत है जो आने वाली पीढ़ी आपकी इस कार्य से, इस पुनीत कार्य से प्रेरणा लेगी और आगे का कार्य करेगी और निरंतर इससे अधिवक्ता लाभान्वित होंगे। दुनिया में जो चंद्रक जी ने बताया बहुत बहुत धन्यवाद।